दोस्तों, मैं थोड़ा मेजबान मियां मुहम्मद अफजल बट्टू। आज मैं अपने दोस्तों वास्ते लिया जनाब 58 सी। ए जनाब, मैं अपने दोस्तों को मुबारकबाद देना चाहना। इन्होंने मेरी वीडियो देखी फोर्ड के मुतलक ट्रैक्टर की। मैं अक्सर अपने खास करके 45-60 की वीडियो अपलोड की ने, ते शोरूम से खड़े भी अपलोड की 58 के बारे। तो ये मेरे दोस्त गोजरे तो आए ने, तशरीफ लिया इन्होंने। इन्होंने मैं जनाब पहले तो मुबारकबाद देवगा, तो उस तो बाद पूछागा भी तुम क्यों पसंद आया, तो तुम क्यों लेना चाहते जी। तो ये बारे गल करने अहसन भाई ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भैया, की हाल चाल? भैया ने अपना जिला केड़ा है, अपने अपना पहले तारफ करवाओ। मियाँ एहसन यूसुफ, 347 जिनबे, तहसील गोजरा, जिला टोबा टेक। हाँ, गुड हो गए भैया ने जोड़ा ट्रैक्टर है जिसे उत्ते बैठे जो माशाला, इसकी मैं तुम्हें पहले मुबारकबाद देना, तो मुबारकबाद कबूल करो। खैर मुबारक जी। ठीक हो, ये ट्रैक्टर तुम्हें किमें पसंद आया, तो किमें तुम्हें शौक हुआ भी मैं भी 58 फोर्ड ही लवान? अगे तो अज तक जी असा 375 ही चलाया जी। ये कोई प्राइज भी घट है, कुछ यूट्यूब तो चैनल असं देखते रहे हैं जी। ये सानू अच्छा लगा, तो साडा दिल किया कि जरा साढ़े लागे चगे कोई नहीं, तो असं नवा ला के चले। ठीक हो गया। तो फिर तुम कैसा लग्या भी इन बारे मालूमात तुम किसी दी भी इंजन के बारे हाइड्रोलिक बारे, तो कोई है समझ वो भी दस दौ भी उस बारे की तुहाडा ख्याल है? नहीं समझेगी जी। ये बारे भाई जान थोड़ी दसनगे, भाई जान थोड़ी तशरीफ ले आया। किन्ने का ये आप खरीदया? ये जी 12,80,000। 12,80,000 हो गया। ओके हो गया जी। इधर कैमरा ले आया जी भाई जान वाले। भाई जान, इस बारे तुहानू की इनफॉर्मेशन सी जिहड़ी तुसीं यूट्यूब तो हासिल की या वैसे दोस्तों तो हासिल की, भी इंजन के मुतलक हाइड्रोलिक के मुतलक या ट्रैक्टर के पूरा जो भी मामलात ने? सर असी पहले फोर्ड 3600 4600 बचपन तो देखते आए सर, गड्डी अच्छी है। नवे फोर्ड जिहड़े यूरो मॉडल्स आए उन्होंने मुतलक पता चलिया कि इन्होंने कुछ पार्ट्स तुर्की के ने, कुछ इंजन अलगासी का जिहड़ा मिला के बनाया गया। हाइड्रोलिक फोर्ड का अपना है, तो बहुत हैवी किस्म का उन्होंने बनाया है। देख के यूट्यूब दी वीडियो देख के गड्डी सानू बहुत पसंद आई है, इस वजह तो असं अपने इलाके च लैके जा रहे हैं जी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करने हैं अल्लाह ताला खैर करेगा, तो चंगी चलसी इंशाल्लाह। तो एक गल मैंने याद भूल गई, तुम भी अपना तारफ भी करवा दो, तो ताकि दोस्तों पता लग जाए भी तुहाडा तारफ की है, तो किहड़ा मुकाम है? हाँ जी, इखलाक यूसुफ नाम है मेरा जी, तो ये मेरा छोटा भाई है हसन यूसुफ, गोजरे के रहने वाले हैं जी, उत्थे गड्डी लैके जा रहे हैं। यूट्यूब ते मेरी वीडियो कितनी को देखियां ने? असी तकरीबन सारियां वीडियो जी डिजिटल किसान दी सारियां वीडियो शुरू तो देखते आ रहे हैं, तो बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इस दे बारे 58 सी आपा खरीदया है, तो शोरूम वाले पीर यूसुफ शाह साहब मुर्शिद ट्रैक्टर शोरूम वाले ने इसकी गरंटी कितनी दी है? एक साल की गरंटी दी है जी उन्होंने पार्ट्स की। उन्होंने कि किसी किस्म का पार्ट्स का कोई भी क्लेम होए, कोई भी मसला होए, असी हाजिर हाँ, तो इंशाल्लाह क्लेम होर कोई नहीं लगाएगा। गड्डी बहुत अच्छी है जी। कुछ पुराने मालकान भी असं मिले जे इस्तेमाल कर रहे हैं 58 जी, उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी गड्डी, इंशाल्लाह क्लेम वाला मसला ही कोई नहीं। सही हो गया। ये अपना फासला किन्ना है? असी इतों जी बसीरपुर तो तकरीबन 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर का फासला करके आए हैं जी, सिर्फ फोर्ड बंदा 58 लगवा। 58 वेरी गुड। तो दोस्तों ये बारे कुछ मैं भी दसना चाहना, जो पहले फोर्ड है सर 3600 हाल भी मौजूद है इंग्लैंड मॉडल 3600 3610 4400 या फोर्ड 4000, तो वह जो हाइड्रोलिक से ना वो काबू नहीं आता सी जिमीदारा को, तो बाद बंद ने हाइड्रोलिक तो चलिया मारा ना बेच देंगे सन। तो जो फोर्ड 3600 वह अक्सर ना जो पहिए ना खासकर बैरिंग एक्स तोड़ते सी, तो उस वक्त जी जितने भी दोस्त ये फोर्ड चलाते सन वो कहते सन, उन्होंने व्यू सन भी अगर कोई बंदा ये ट्रैक्टर फोर्ड ले लवे, ये अगर कंपनी जी है ना इंजन फीएट का पा दे, हाइड्रोलिक भी फीएट का, यदि जी असम्बली है ना ये तकड़ी, जो 265 स्पैशल होंगे मैसी उस तरीके कर दे, तो हर बंदा ये फोर्ड खरीदेगा 3600। तो हूँ जो मौजूदा पोजिशन जी कंपनी है फोर्ड ने, वो सारिया ही पुरानी गल्ला किसान दियाँ या ड्राइवर दियाँ मन लिया ने, उन्होंने जनाब ये जो इंजन पाया है वो टोमसन कंपनी का तुर्की का पाया है फीएट का, हाइड्रोलिक उन्होंने जनाब ये फीएट का सैट कर दिता है, दोनों हाइड्रोलिक भी विखाने हैं। कैमरा लाओ ए देख सकते जी, ए सिस्टम जोड़ा लग्या हुआ है, यह सारा जनाब ए फीएट का है, तो इंजन इसका टोमसन कंपनी का है। तो दोस्तों इनकी सब तो पहले तुम इन टायर चैक कर लो, ये मेरा ख्याल है जनरल के पाए हुए हैं जनाब, जनरल के टायर है सैज़ भी 18 का पाया हुआ है, तो ये मरगाड़ बहुत मजबूत है,
हिलाओगे तो मेरा ख्याल हिलणगे नहीं, काफ़ी तकड़े उन्हें पाए हुए हैं। इधर जेड़े आ बोनट यह चेक कर सकते जी। ए दोस्तों चार सिलेंडर गड्डी है, चार सिलेंडर चार पिस्टन ने दे 80 हार्स पावर है, पावर स्टेयरिंग लग्या हुआ है जनाब। यदा जड़ा ए रोटरी पंप है चौक वाला, तो पावर स्टेयरिंग अगले पहिए चेक कर सकते जी दोस्तों। टायर रिम है तो कमाल का जनाब पावर स्टेयरिंग है, तो जी रंग है ना बहुत ही कमाल का। इसकी जी खास करके इंग्लैंड वाले कहते हैं भी जो रंग का मतलब है ना, ये ज़रात नूं सब्जे नूं उंदी जिहड़ा इसका मतलब निशानदेही करता है ज़रात दी। ये कलर फोर्ड बहुत ही प्यारा, तो आ फ्रंट तो भी वेख सकते जी दोस्तों, लाइटा लगी हुई अगे, ग्रिल लगी हुई है, ये पिछे बैटरी है। तो जो भी ट्रैक्टर बंदा लवे कोशिश करे इसका बंपर लगवा लवे, बंपर से ही इस बैटरी ने अगू काट के ना बंपर से रख लवे, क्योंकि रेडिएटर अद्धा इसने बैटरी ने मल्या हुआ है। तो खब्बी साइड तो वेख सकते जी इस दे टायर, इस दे काबले वेखो जी ना दोस्तों बहुत ही मजबूत है ने। पुलिस साइड चेक कर लो, सलेंसर, एयर क्लीनर, अजनेटर सब दोनों नज़र आ रहे होगा। अगले जनाब एक्सलेंट जड़े ने बहुत ही तकड़े पाए हुए हैं, बहुत ही तकड़े। मेरा ख्याल है भी ये नामुमकिन है, अगर कोई जहल होगा ड्राइवर तो फिर तोड़ लवे, वरना समझदार ड्राइवर तो ये नहीं टुटने। तो 12 लीटर जड़ा ना मोबल ऑयल इंजन के बेच 12 लीटर मोबल ऑयल पैंदा ने दोस्तों, शीशे रंगा मोबल ऑयल नज़र आ रहा है, 12 लीटर इस पैंदा है, 55 लीटर डीजल पैंदा है दोस्तों। ऐ साइड चेक कर सकते हो जी, ऐ एक सिस्टम उन्होंने लगा हुआ है हवा वाला, इतों अगर हिस्से कोई गैस बनती है तो ये हवा खारज हो जाती है, जिद वजह ना लीकेज घट होगी। गेयर के हिस्से भी सिस्टम लगा हुआ, पिछले हिस्से लगा हुआ, अगे लगे लीकेज वास्ते ट्यूबा इस देख सकते बहुत कमाल दियाँ ने। ए भी मरगाड़ वधिया है, आ टॉप लिंक देख सकते जी दोस्तों। दोस्तों ए पिछे लिंकां इस चेक कर सकते जी, ए संगलियां काफ़ी मजबूत पाई हुई ने, इस ट्यूबा जड़िया ने। हर बंदा कहता है जिन्हें पुराने फोर्ड चलाए हुए ने भी इसका जो हिस्सा है ना ये बहुत मजबूत है, तो मेरा ख्याल है भी ये जरा हूँ भी मौजूदा आता, बल्कि ख्याल नहीं यकीन है क्योंकि मेरे सामने ट्रैक्टर खड़ा है। यदा हिस्सा भी पुराने फोर्डा की तरह चौखा टायर तो तकड़ा है, सिंगल अंदर मार तो मेरा ख्याल है भी हर एक नवा ट्रैक्टर लाने तो पहले ना यह फोर्ड के बारे जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि खरीदने टाइम ही 3 लाख 2.5 लाख की बचत आती पई है। तो इंशाल्लाह तआला फिर इसकी जी दिक्कत नहीं होगी, अगर तुम कोई होर ट्रैक्टर लैन जाते हैं फिर ना बुकिंग का मामला है भी तुम बुक करावना पवेगा, पैसे पकड़ाओ तो ट्रैक्टर से चढ़ो तो चाबी लाओ तो अपने घर लै जाओ, तो थैला पाओ तो इस तू कम लाओ, हार्ड डिस्क पाओ, ट्राला पाओ, सारे काम करेगा। यह वेख सकते जी इसका डैशबोर्ड मीटर, गर्म सर्द वाली सूई हैगी है डीजल दी जनाब, एक है इंजन का इशारा जनरेटर का, तो एक आयल का। तो इस मैं स्टार्ट करना, तो इसका ना जरा साउंड सूंड दोस्तों इस मैं स्टार्ट कर लग्या जी, तो इसका साउंड सुन लगे बिल्कुल जनाब इशारे पर चलिया है। दोनों इशारे बंद हो गए हैं, जनरेटर वाला भी तो आयल वाला भी। दोस्तों एक गल मैं जरूर करनी है सारे दोस्तों नाल, वो है भी कोई भी दोस्त ट्रैक्टर नवा लेना चाहता, खास करके मिलत का ट्रैक्टर 385 जिसका बुकिंग रेट 14,28,000 है, तो 3 महीने या 3.5 महीने के बाद बड़ी मुश्किल में ट्रैक्टर मिलता है। तो मौजूदा उसका जो रेट है ना 15,80,000 अज का चलता पाया जी, अगर किसी ने यकीन ना आए
किसी भी मिलत दे शोरूम से जाके अपनी एक गल कन्फर्म कर सकता है, उसको पता चल जाएगा 15,80,000 का क्यों दे रहे हैं। ये इन्वेस्टर के ट्रैक्टर कहते हैं तो उन्हें खा जी कीमत ज़्यादा हिसाब ही लेंगे अपना मुनाफा समझते हैं या जो भी है। ये मामला मिलत का या मिलत के डीलर का है, अपना नहीं लेकिन किसानों का भी है। अगर किसान है ट्रैक्टर लवनगे ये है 12,80,000 का, तो मेरा ख्याल है भी उसके मुताबिक 2.5-3 लाख रुपए का फायदा आ जाएगा। ये भी 80 हॉर्स पावर है, सेम ही वो काम करेगा जोड़ा 385 करता या 80 करता है। इसकी काम करने में कोई कमी बेशी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी जेब की तुलना 2.5-3 लाख की बचत आ जाएगी। ऐसा भाई मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना, तो थानू मैं ना लख मुबारक देना थोड़े इस नवे ट्रैक्टर की, कि ना ही तुसा मेरे से इतमाद किया। मैं जनाब वरान दिल भी अखा कराइया ना इस एक बार फिर मुबारकबाद देना, तो अगर तुम कोई आखिरी पैगाम देना चाहो मेरी तरफ या जो तुम मेरे से इतमाद किया तो कैमरे वाले अगर दस दो। कोई नहीं जी, असं इंशाला अगर मियाँ मोहम्मद अफजल से इतमाद किया तो आके गड्डी लाइए, इंशाला उन्हें चेक करा चलावे मज़े लाएंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह जिस तरीके एहसन भाई ने इतबार किया तो सेम ही उन्होंने मेरे नाबता किया, तो मैं जनाब उन्होंने गड्डी लैके दवाई। इंशाल्लाह कोई भी दोस्त होर लेना चाहे या फोर्ड में चला के चेक करना चाहे वो जनाब जी बिस्मिल्लाह मेरे को आए, मैं उसमें अपने 4560 तक बिठावगा वो चलावे, तो अगर उन्हें पसंद आ जाए तो फिर नवा लवे, तो जे ना आए तो कोई मसला नहीं, लेकिन उन्होंने पता चल जाएगा भी एक अच्छा ट्रैक्टर है। कीमत के लिहाज में भी बचत है तो चलाव के लिहाज में भी बचत है, तो बहुत मज़ा आए। हूँ मैं सारे दोस्तों का एसन भाई का भी तो उन्होंने दोस्तों के जो नाल आए हैं साथी उन्होंने भी शुक्रिया अदा करना, तो सारे उन्होंने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना जो इस टाइम मेरी वीडियो देखते पे ने। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। उस्ताद जी।